अपनी कंडीशन नहीं बता सकती। जिस कंडीशन में मैंने पेपर दिया था उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, वो 8वां महीना था मेरा, पर फिर भी मैंने रात दिन एक मेहनत की थी और उसका नतीजा भी हुआ कि मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो गई थी। अगर मेरा सीजेरियन डिलीवरी नहीं होता तो शायद मैं अपने बेबी को पा भी नहीं पाती। दिन रात एक करके मैंने 60 और 65% क्वालिफाई किया, उसके बाद भी मैं योग्य होके भी अयोग्य बनी हूँ। पापा ने मुझे पढ़ाया, मेरी शादी की, आज मेरे हस्बैंड का पैनक्रियाटिक ऑपरेशन हो चुका है, मैं पीजीआई में उसकी दवा करवा रही हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं 7 महीने का बच्चा अपने पेट में लेके 7 साल से मैं परेशान हूँ। मैंने आर्थिक तंगी के चलते अभी 4 महीने पहले सुसाइड कर लिया, मैं अकेली मेरे इतनी बुरी आर्थिक स्थिति है, फिर भी सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं रही है कि हम कैसे अपना घर चला रहे हो, कैसे यहाँ धरना देने आ रहे। जान से मार दे वो ज़्यादा बेटर है, हम तैयारी कर रहे हैं 10 साल से, मेहनत कर रहे हैं पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा। उसूलों की जब बात आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। चोट जब आत्मसम्मान पर लगी हो, बात जब योग्यता साबित करने की हो, ख्याल जब परिवार का हो और जब भविष्य सुधारने की चुनौती हो, तो 1 महीने से यहाँ पर धरना पर बैठे इन अभ्यर्थियों की क्या एक बार भी सरकार आवाज़ नहीं सुन सकती है? क्या ये खालिस्तानी है? क्या ये पाकिस्तानी है? ये आपकी ही आवाम है, आपकी ही द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो क्या इनकी एक बार भी न विपक्ष आवाज़ सुन सकता है, न सरकार आवाज़ सुन सकती है? इतनी नाराज़गी आज क्यों है? 1 महीने और एक बार भी बात नहीं। आज इसी पर सीधा सर्वे ऑन द स्पॉट इन 27 दिनों से बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बीच से 1 महीना बीतने को है, एक बार भी संवाद सरकार के द्वारा नहीं किया गया, क्यों? मैम सरकार तो छोड़िए, विपक्ष भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, यहाँ कोई नहीं आया। बताइए 27 दिन हो गए, यहाँ सभी बच्चे कोविड के दौर में, जो परिवार वाले कहते हैं कि निकलना नहीं बेटा कोविड हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप संख्या देख लीजिए कितनी है। 27 दिन से हम बैठे हैं और यही अधिकारी हैं, 100 मीटर की दूरी नहीं है यहाँ से, मैम आप देखिए 100 मीटर की भी दूरी नहीं है ना, कोई अधिकारी नहीं पूछने आता है कि आपको क्या समस्या है। इन्हीं अधिकारियों की गलती की वजह से, सिर्फ 3 नंबर कॉमन देने की वजह से आज हम सारे बच्चे बाहर हैं। 20,000 बच्चा 3 नंबर कॉमन, जो बच्चा 87 नंबर लेकर आया था वो इन अधिकारियों ने, जो भी इनके अपने खास रहे होंगे, जो भी रीजन रहा होगा, बिना किसी आपत्ति के वो 3 नंबर रेवड़ी की तरह बांट दिए। सारी महिलाएं यहाँ पर आप देखिए कि जो महिलाएं अपने शहर में सुरक्षित नहीं रहती हैं, वो अपने शहर को, अपने गाँव को, घर को छोड़ के अगर लखनऊ राजधानी में यहाँ पर बसी पड़ी हैं, तो क्या कोई एक विपक्ष, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई एक अधिकारी का दिल नहीं पसीज रहा है कि आज इनसे आकर 1 महीने के अंदर संवाद किया जाए? हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही कि हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। 27 दिनों से यहाँ हम सब पड़े हुए हैं, यहाँ अपनी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, ना सत्ता पक्ष का कोई आता है, ना विपक्ष का कोई आता है, ना उच्च अधिकारी मंत्री, कोई नहीं। और अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम थोड़ा भी कोशिश करते हैं, तो हमें अहिंसावादी बताया जाता है और हमारे कोशिशों को रोकने की कोशिश की जाती है, हमें पीछे करने की, धकेलने की कोशिश की जाती है। हम क्यों पीछे जाएं? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी गलत बात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, घर में मैं ही हूँ, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, और हम लोग मतलब हमारी इतनी बुरी आर्थिक स्थिति, 3 महीने से पापा नहीं गए गाड़ी चलाने, और इतनी बुरी आर्थिक स्थिति है, फिर भी सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं रही है कि हम कैसे अपना घर चला रहे हो, कैसे यहाँ धरना देने आ रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही किसी तरीके से, अधिकार भी पता नहीं कहाँ किस नशे में डूबे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग 27 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अगर चाहें तो आज सरकार पूरी बहुमत की सही, आज के दिन हम लोगों को, आज ही के दिन हम लोगों को क्या कहते हैं, जॉब दे सकती है, आदेश दे सकती है कि 22,000 पद इसमें जोड़े जाएँ। ये जो दिक्कत है वो सिर्फ एक महिला एक परिवार के घर में नहीं है, ये जो दिक्कत है आप भीड़ दिखाइए कि आप ग्राउंड शुरू होने से लेकर ग्राउंड के अंत तक सिर्फ और सिर्फ आपको योग्यता ही दिखेगी, लेकिन सरकार को नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ट्विटर पे भी मतलब योगी जी को मैसेज डाला है, मेल भी किया है, पर हमें कोई भी जवाब उधर से नहीं मिल रहा है,
और मैम मैं इतना परेशान हूँ, मैं 2011 से संघर्ष कर रहा हूँ, 11 वाले विज्ञापन में 2 अरब 90 करोड़ सरकार लेके बैठी है, वो ये कहते हैं वो समाजवादी वालों ने रख लिया है, अभी हम कहते हैं बीजेपी वालों ने रख लिया है, तो नौकरी कहाँ जाए। 107 नंबर लिया था टेट 2011 में, उसके बाद मेरे पास 9 टेट की मार्कशीटें हैं, मैं हर बार टेट निकालता हूँ, टेट मेरे पास मिडिल की प्राइमरी की मतलब मार्कशीटें रखी हैं जो मेरे पास हैं इसमें फाइल में। मुझे तो ये लगता है कि सरकार मुझे जान से मार दे, वो ज़्यादा बेटर है। हम तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। घर वाले पड़ोस वाले सारे मतलब ताने देते हैं, इनका लड़का मतलब हर बार सिलेक्ट हो जाता है, फिर भी मतलब नौकरी के लिए मतलब ये झूठ बोलता है, ये पास ही नहीं होता होगा। इसके लिए मुझे रोना आता है, मेरे बच्चे हैं तो मैं कैसे पालूं, कैसे उन्हें पढ़ाऊं, मुझे समझ नहीं आता मतलब क्या करना है आगे। बच्चे भी कहते हैं पापा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, कैसे लग जाएगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर ऐसा सरकारी मतलब योगी सरकार ने वादा किया था, मेरे पास वीडियो हैं, उन्होंने कहा था कि जो योग होंगे तो उनको मैं नौकरी दूंगा। अब यहाँ योग के बाद भी सुपर टेट करा लिया, अब ये सारे भाई मेरे योग हैं और ये लोग बैठे हैं क्योंकि इनकी एकेडमिक कम है। जो है वो अगर 22,000 जोड़ देती तो जो जिनका पहले का एकेडमिक कम है, जैसे जो भी पहले बच्चे हैं उनका कल्याण सिंह के राज में, मायावती के राज में जो हाई स्कूल इंटर पास किए हैं उनकी एकेडमिक बहुत कम है मैम, तो ये बच्चे जब टेट सुपर टेट सब पास करके रखें तो उनको ये अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो उनका सबका कल्याण हो जाएगा। मैं योगी सरकार से यही विनम्र निवेदन करूँगी कि वो इन लोग बच्चों का जो भी एकेडमिक कम है उनको ये सीटें जोड़ करके उनके भविष्य का, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, उनका ख्याल कर रखे। बिल्कुल, अपने कल्याण के लिए सरकार जो है वो इनके सामने गिड़गड़ाती है तो उसे महसूस होना चाहिए कि जब आप हाथ जोड़ के और वोट की गिनती के लिए इनके सामने जब जाते हैं और अगर ये आपकी बात ना सुने, आपको धुतकार दे तो कैसा लगेगा। लेकिन बेचारे ये इतने मासूम होते हैं कि आप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं वोट के लिए तो ये आपके जाकर कमल दबाते हैं और आपको जिताते हैं। लेकिन आज जब ये हाथ जोड़ के आपके द्वार पे खड़े हैं, आज जब ये अपने घरों को छोड़ के राजधानी लखनऊ में खड़े हैं तो ये जरूरी नहीं लग रहा है सरकार को समझना कि एक बार इनकी दरकार तो सुन लें। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी साथी हमारे खड़े हैं वो सब युवा हैं और युवा अपनी बस एक ये गुहार कर रहा है कि हम योग्य हैं। हमने आपके जितने मानक रहे, आपने कहा कि आपको पहली बात तो 7 से 8 वर्ष पहले बीएड को मौका मिला, मौका मिलने के बाद आपने जो परीक्षाएं कही वो परीक्षाएं अपनी मानक कटाप पे हम लोग उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण ही बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हैं, 105, 110, 115 नंबर ला करके उत्तीर्ण हैं। उसके बाद ये होता है कि 3 नंबर फ्री के कॉमन दे दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चा ये है कि आज नियुक्ति के समय में जो फेल बच्चा था 90-97 पा करके वो नियुक्ति पा गया है और हम लोग 105, 110, 115 नंबर ला करके यहाँ पे अयोग्य हो रहे हैं और धरना दे रहे हैं। की सरकार की कथनी करनी में मुझे कहीं ना कहीं दोष दिखाई देता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे योगी जी ने खुले मंच से कहा था कि 68,500 में अगर हमें योग्य अभ्यर्थी मिल जाते तो हम 1,37,000 भरने का प्रॉमिस करते हैं। आज 69,000 में डबल अभ्यर्थी पास हैं, तो मैं आपके मीडिया के चैनल से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो इस पदों को भरने में क्या मजबूरी है जबकि सारे 90-97 पे पास बैठे हैं। खबर प्याली इस मुहिम को तब से उठा रहा है, 8 जून 2021 से हम शिक्षा का ही क्षेत्र उठाए हुए हैं क्योंकि विभाग बहुत खाली होते हैं प्रदेश में। ये सिर्फ शिक्षा विभाग का हाल नहीं है, विभागे बहुत खाली हैं, भर्तियां बहुत हैं लेकिन भर्ती की नहीं जा रही और सबसे बुरा हाल शिक्षा विभाग का। इसीलिए खबर प्याली, इसीलिए मैंने इस मुहिम को उठाया है क्योंकि इनकी आवाज़ बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसीलिए खबर प्याली इनकी आवाज़ बनके लगातार उठ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है, नज़रें वहाँ पे घूम जाती हैं, उम्मीदें वहाँ पर टूट जाती हैं जब आपकी ही सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है। नहीं सरकार से नहीं, मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन है सभी लोगों से कि नहीं है, किससे है, अपने लोगों से, जनता से, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सभी से कि जब नहीं है अयोग्य मानकर शिक्षा मित्र जो अयोग्य कहे गए थे उन्हें हटाया गया, जब ये लोग योग्य हैं तो इनको नौकरी दी जाए। जब अयोग्य मानकर शिक्षा मित्र हटाए गए थे क्योंकि वो उन्हें अयोग्य बताया गया था तो उनको हटा दिया गया था, नियुक्ति होने के बाद हटा दिया गया था। जब हम लोगों को योग्य मिल गए हैं तो इन योग्य को नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे नुकसान हो रहा है बच्चों का, छोटे छोटे ननिहालों का, तो इसकी तरफ सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए। कोर्ट को खुद अपने संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान में खुद लेना चाहिए जिससे देश का नुकसान ना हो। इस तरीके से 1400 बच्चों का जो विकलांग बच्चों का समायोजन सरकार ने कर दिया है, इस तरीके से ये 12,000 की मांग की जा रही है इन बच्चों के लिए, इनका भी बेचारों का भला हो सकता है। योगी जी सोचें, ये युवा हैं,
इनके साथ रोजी रोटी का जो संकट है वो इनका समाप्त हो जाएगा। बिहार सरकार ने भी बड़ा अच्छा एक उदाहरण पेश किया है युवाओं के लिए। मैडम, ऐसा योगी सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस बारे में सोचे और इन युवाओं को इनकी झोली में उनकी खुशियाँ दे दे। अरे तो सर, सवाल तो मेरा भी सरकार से इन 22,000 अभ्यर्थियों के बीच से है सर। आवाज़ तो मेरी भी यहाँ पर जा रही है कि सरकार सुने तो सुने, कैसे सुनेगी कैसे सरकार? सुन रहा मैम, 27 दिन से हम लोग यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हुए, मगर कोई सुनने वाला नहीं। इतनी बारिश, इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, मगर कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि बगल में इतना बड़ा ऑफिस है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बेटियों को पढ़ा दिया लेकिन नौकरी के नाम पे धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं मैडम? अब हमें आप सरकार से जवाब चाहिए। हमें कब हमारा अधिकार मिलेगा? मैं अपनी कंडीशन नहीं बता सकती। जिस कंडीशन में मैंने पेपर दिया था उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। वो 8वां महीना था मेरा। 8वें महीने में मैं प्रेगनेंसी के हालत में पेपर दिया था। उस समय डॉक्टर ने मुझे फुली रेस्ट करने के लिए बोला था, पर फिर भी मैंने रात दिन एक मेहनत की थी और उसका नतीजा भी हुआ कि मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो गई थी। अगर मेरा सीजीन डिलीवरी नहीं होता तो शायद मैं अपने बेबी को पा भी नहीं पाती। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, फिर भी मैंने अपनी मेहनत की। दिन रात एक करके मैंने 60% और 65% क्वालिफाई किया। उसके बाद भी मैं योग्य हो के भी अयोग्य बनी हूँ। कब सुनेगी सरकार? चाहरी कौन से कितने क्राइटेरिया वो देगी हम लोगों को योग्य साबित करने के लिए? क्या क्या योग्यता हमें साबित करनी पड़ेगी उनके आगे, तब जा कर के वो सुनेगी। क्या चाह रही है कुछ तो बोले आकर के कि वो क्या चाह रहे हैं हम लोगों से, हम लोगों ने गलतियां क्या की हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि आप लोग सरकारों के सामने तो आ गए बोलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन सरकार इसी राजधानी लखनऊ में अपने घर से निकलने के लिए नहीं तैयार है। एक उंगली तक नहीं जा रही है उस सोशल मीडिया पे, उस ट्विटर पर जो एक महीने से आप लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 सीटों में ऐड किया जाए। उस सरकार के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं योगी जी से ही कहना चाहूँगी, जितनी योग्य अभ्यर्थी हैं 22,000 सीट जोड़कर हम लोग को नियुक्ति दें। हम लोग इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, उसका तो कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए। हम लोग आकर बात को सुने, जब वोट लेना रहता है तो आ जाते हैं। आज हम लोगों अपने अधिकार को मांग रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये हमारा अधिकार है, हम लोग उस योग्य हैं, हम सब कुछ क्वालिफाई कर लिए हैं, फिर भी मतलब सरकार हम लोग की आवाज़ नहीं सुन रही है। उनको सुनना चाहिए, हम लोग की बात मानना चाहिए। 27 दिन हो गए, 27 दिन से यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, 1 महीना पूरे होने पे एक भी बार बात नहीं, क्यों? मैडम, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है कि हम जवाब क्या दें इनको। इसी 1,37,000 भर्ती में पिछले 68,500 में 60 और 67 वाले शिक्षक हैं, 69,000 भर्ती में 90 और 97 वाले शिक्षक बने बैठे हैं और 108, 115, 112, 120 वाले बाहर बैठे हैं। तो सरकार को जवाब देते हुए नहीं बन रहा कि क्या जवाब दें, इनके डेलीगेशन को बुलाएं तो क्या कहें इनसे। इस वजह से सरकार हम लोगों से शर्मिंदा है और वो कोई हल निकालना चाहती है, निकाले तो बहुत ही अच्छी बात है। घूंघट की आड़ तो महिलाओं के ऊपर अच्छी लगती है, लेकिन जब सरकार घूंघट की आड़ में बैठ जाए तो क्या करेंगे? मैम, हम ये कहना चाहते हैं, हम जब पढ़ रहे थे मैम तभी हमारे घर वालों ने कहा कि ज़्यादा मत पढ़ाओ बेटी को, नहीं तो शादी के लिए वैसा लड़का ढूंढना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। फिर भी मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, मेरी शादी की। आज मेरे हस्बैंड का पैनक्रियाटिक ऑपरेशन हो चुका है, मैं PGI में उसकी दवा करवा रही हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं 7 महीने का बच्चा अपने पेट में लेके 7 साल से मैं परेशान हूँ। आज जब मैंने पढ़ के कमरा किराए पर लेके ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को आज मैं पास हुई तो फिर इस तरह लाचार बैठी हूँ। मैं धरना देने आई हूँ, सब अपने बच्चे लाते हैं, अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, वो कितने खुश नसीब होते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बच्चा बना के लाई हूँ कि इनको कौन केयर करेगा। मेरे हस्बैंड भी यहीं कहीं खड़े हैं, 80 किलो का हस्बैंड, आज मेरा 40 किलो का है। उसको चलने में तकलीफ होती है, जिंदगी भर मैं दवा खिलाऊंगी तब वो खाना खा सकते हैं, नहीं तो वो खा नहीं सकते। मैम मैं क्या करूँ? कहता है देश की बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी घर बैठाओ। हम लोगों को तो यही लग रहा है कि BEd करके गुनाह कर दिया है, काश हम लोगों ने पढ़ाई ही ना की होती तो आज यहाँ धरने पे कम से कम ना बैठ रहे होते, घर पे कहीं चूल्हा चौका कर रहे होते। सरकार अपना ये नारा बंद कर दे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सर मैम हर किसी के साथ यहाँ प्रॉब्लम है। मैं खुद अभी यहीं लखनऊ से हूँ, मेरे हस्बैंड ने आर्थिक तंगी के चलते अभी 4 महीने पहले सुसाइड कर लिया। मैं अकेली, मेरे Yeah.
मैम मेरी एक बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। सरकार बताए मेरी क्या गलती है। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, घर में पैसे नहीं, पति ने साथ छोड़ दिया, वो तो आत्महत्या करके चले गए। मैं दो दो बच्चों की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाऊँ। मैं योग्य होते हुए भी नौकरी के लिए तरस रही हूँ, क्या सरकार मुझे एक नौकरी नहीं दे सकती कि मैं अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूँ, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूँ, उनका अच्छा पालन पोषण कर सकूँ। बस इसी आस में 27 दिनों से यहाँ हर रोज बच्चों को अकेले घर पे छोड़ के आती हूँ कि शायद एक दिन सरकार का दिल पसीज जाए और सुन ले हमारी बात। वो मेरी बस इतनी विनती है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हम जैसों बेसहारों को प्लीज़ सहारा दीजिए, हमें नौकरी दीजिए ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, अपना जीवन बना सकें। प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों की मांग मान लीजिए बस। किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का पति साथ छोड़ दिया है सिर्फ आर्थिक तंगी को देखते हुए। आज हालात ये हैं देश के और प्रदेश के कि गरीबी चरम सीमा पे है, कोरोना ने ऐसी कमर तोड़ दी है देश की, वो स्थिति सामने दिख रही है। एक बार फिर से दिखाइएगा, एक बार उधर दिखाइए कि आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन इस आंसू की उम्मीद लगाए बैठे ये अभ्यर्थी सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार इनकी बात तो सुन ले।